नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के जो लाभर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी के लिए आज लेके आया हूं आप लोगों में ही किसी का एक रिक्वेस्ट से, इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेडी रिलेशनशिप इन होम्योपैथी। रिमेडी रिलेशनशिप का होम्योपैथी में क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज रिमेडी रिलेशनशिप? कोई भी एक रिमेडी प्रेस्क्राइब करने के बाद उसका रिलेशन मतलब उसके बाद कौन सा रिमेडी अच्छा काम करे, इसके ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिमेडी रिलेशनशिप क्या होता है? एक्यूट क्रॉनिक। बेलेडोना इज द एक्यूट ऑफ ट्यूबरकुलर डायथेसिस, मींस बेलेडोना इज द एक्यूट ऑफ कैल्क्रियाकार, बेलेडोना कैल्क्रियाकार इज द क्रॉनिक ऑफ बेलेडोना। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है बेलेडोना एक्यूट में, और ट्यूबरकुलर ड्रग्स जैसे फॉस्फोरस हुआ, ट्यूबरकुलिनम हुआ, इसका भी एक्यूट बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर का एक्यूट एकोनाइट का क्रॉनिक सल्फर, ऐसे करके बहुत सारे मेट्रिया मेडिका अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे ड्रग्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिमेडी ऐसे एक्यूट क्रॉनिक में मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपका सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट कौन से डिजीज से सफरिंग कर रहा है, ज्यादा परेशान है, दैट इज टू बी क्योर इन डिजीज, व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज, आपको क्या ठीक करने जाना है, उसको अगर आप रिलेट कर सके और दूसरा कोई रेमेडी इंडिकेट करे तो आप दूसरा रेमेडी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको रेमेडी रिलेशनशिप फॉलो करना पड़ेगा, या ये मैंडेटरी है, या करने से आपका मैजिक होगा। ये आपको, ये जो बात मैंने बताया, आपने 17 साल का प्रैक्टिसिंग करियर का एक्सपीरियंस से बताया कि बेलेडोना एक्यूट एक इंफ्लामेटरी पेन लेके, पेल्विक इंफ्लामेटरी पेन लेके लोअर एब्डोमिन का कोई आता है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, एक्यूट पेट दर्द, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वगैरह लेके आता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसका क्रॉनिक टेंडेंसी, उसको परमानेंटली ठीक करने के लिए अगर आप देने जा रहे हैं और उस टाइम आप सोच रहे हैं कि मुझको अभी कैल्क्रियाकार भी दूसरा कोई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ही देना है, एंटी सिफिलिटिक कोई आरसायोट, कैलियायोट या मार्क सॉल, सिफिलाइनम नहीं आ सकता है, तो ये आपका मूर्खता है, ये आपका गलती है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस में इफेक्ट हो जाएगा। प्योर सिम्टोमेटिक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अगर उस टाइम कैल्क्रियाकार इंडिकेट होता है तो बेलेडोना के बाद, अगर पेशेंट पूरा सिम्टम्स क्रॉनिकली कैल्क्रियाकार का देता है तो बेलेडोना के बाद कैल्क्रियाकार बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे हर जो भी व्यक्ति सिगरेट पीता है वो सबको लंग कैंसर या लंग का बीमारी नहीं होता है, दूसरे बहुत कारणों से वो लोग बीमार होते हैं या मर जाते हैं एज में या यंग एज में भी। लेकिन जो भी व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, अगर उनका लंग्स डिजीज या लंग कैंसर या सीओपीडी होने का चांसेस हाई रहता है, ये भी सच है, और अगर हो जाए तो बहुत जल्दी विदाउट एनी रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट फेल्यूर के कारण वो मर भी जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों के यहां पे होता है कि हर रिमेडी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है एंड प्रोबेबली मिलने का चांसेस हाई है। बेलेडोना का एक्यूट पेशेंट में चांसेस हाई रहता है कैल्क्रिया कप का, परसेंटेज में जाए तो कितना, मैंने अपने 17 साल के करियर में, अब उससे पहले एज ए डॉक्टर एंड उससे पहले 6 साल एज ए स्टूडेंट, मतलब टोटल 23 इयर्स इन होम्योपैथी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 to 2024 में मैंने देखा है ये रिलेशनशिप 50-50 चांसेस में काम करते हैं। तो 50% चांस नेगेटिव भी हो सकता है, मिलने का चांसेस है, काम करने का चांसेस है, 50% चांसेस नेगेटिव है कि मिलने का चांसेस नहीं है। लेकिन जहां पे मिलने का चांसेस नहीं है या मिल नहीं रहा है रिमेडी रिलेशनशिप में कोई भी रिमेडी,
वहां पे हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, वहां पे भी मेडिसिन देंगे, जो इंडिकेटेड मेडिसिन आएगा। बेलेडोना के बाद थुजा भी आ सकता है, नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है, बेलेडोना के बाद मार्क्सोल भी आ सकता है, बेलेडोना के बाद सल्फर भी आ सकता है, बेलेडोना के बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम, ओराम मेटालिकम, कैली आयो, नेट्रम यू, नेट्रम फोस, नेट्रम सब कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही करके रिमेडीज फॉलोएड ऑयल भी होता है। रिमेडीज फॉलोएड ऑयल जो जिन डॉक्टरों ने बनाया है ये रिमेडी रिलेशनशिप, हम लोगों का बोरिक का जो मेट्रिया मेडिका है, जो पॉकेट मैनुअल ऑफ बोरिक्स मेट्रिया मेडिका है, ज्यादा सर्कुलेट हुआ है, उसी में रिमेडियन रिलेशनशिप लास्ट में दिया गया है, इसीलिए ज्यादा फेमस हुआ है। उन उस जमाने में रिमेडी रिलेशनशिप को हर डॉक्टर जिसने लिखा भी है 100% फॉलो करता था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ए प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये होने से बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है, दूसरा मेडिसिन इंडिकेट होता है तो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो कहा रिमेडी रिलेशनशिप का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी अक्सर, जैसे मेरे सामने अभी बोरिक का मेट्रिया मेडिका खुला हुआ है, तो इसमें मैं देख रहा हूं नेट्रम्यूर का कॉम्प्लीमेंटरी है एपी सिग्नेशिया सीपिया, नाइट्रिक एसिड का आर्सेनिक कैलाडिया, नाग्स भूमिका का कैलिकाप सीपिया सल्फर। अभी देखिए, नाग्स भूमिका पेशेंट, क्रॉनिक पेशेंट, अगर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन आकर आपका नाग्स भूमिका रहा और उसके बाद बहुत दिन तक पेशेंट नाग्स भूमिका के ऊपर रहा, लगभग क्योर हो चुका है, उसके बाद क्या आपको उस पेशेंट में सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में कैलिकार सीपिया सल्फर ही देना पड़ेगा? ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, कैलिकार सल्फर सीपिया इज मोस्ट ऑफन वर्क वेल आफ्टर नाग्स भूमिका, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आप देना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंटरी अगर हो, कॉम्प्लीमेंट जो रिमेडी आप सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में प्रेस्क्राइब करने जा रहे हैं, अगर वो कॉम्प्लीमेंटरी लिस्ट में है तो बहुत अच्छा है, आपका प्रेस्क्रिप्शन का परफेक्शन भी बढ़ेगा और आपका जो आउटकम आएगा पेशेंट का क्योर होने का वो भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है रिमेडीज दैट फॉलोएड वेल। कॉम्प्लीमेंटरी जो होता है वो भी रिमेडीज आर फॉलोएड ऑयल ही होता है, बट बेस्ट ऑयल। उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंटरी में नहीं मिले तो रिमेडीज फॉलोएड ऑयल में आप जाके देख सकते हैं कि आपका चॉइसेबल सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन का मेडिसिन उसमें है कि नहीं, तो वो भी अच्छा काम करेगा। लेकिन इनिमिकल कभी भी नहीं, जैसे नाग्स भूमिका के बाद एसिटिक एसिड इग्नाशिया जिंकम कभी भी नहीं, ये काम नहीं करेगा, केस को आपका प्रॉब्लेमेटिक कर देगा। ये मैंने देखा है, कभी कभी होता है, क्योंकि हम लोग जब क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में, बहुत सोच के कोई इंपॉर्टेंट केस में ऐसा सिलेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी करते हैं कि एम्पिरिकली सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। लेकिन मैंने जब एम्पिरिकली मैंने गया, कभी काम नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर हो रहा है, तब मैंने देखा है कि जो मेडिसिन मैंने पहले दिया था उसके बाद जो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन दिया, ये इनिमिकल रिलेशन में आ गया। इनिमिकल मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इनिमिकल मतलब इस मेडिसिन के बाद दूसरा मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को बहुत डेंजर हो जाएगा, पहले मेडिसिन का काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काम नहीं करेगा, इसका एक्शन दूसरा एंटागोनिस्ट होता है, काम नहीं करता है। नेक्स्ट, एंटीडोट्स। एंटीडोट्स नॉट एंटीडोटेड बाय, नाग्स भूमिका एंटीडोट्स फॉलोइंग मेडिसिन, एकोनाइट आर्सेनिक बेलेडोना कैम्फर कैमोमिला कोकुलास कॉफिया यूफ्रेशिया इग्नेशिया ओपियम पालसेटिला थुजा। नाग्स भूमिका जेनरली आपका इनिमिकल एंटीडोट्स होता है, इसी का जो इन लोगों को एंटीडोट कर देता है, और नाग्स भूमिका एंटीडोटेड बाई दूसरा लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा। तो एंटीडोट का जो कॉन्सेप्ट है मैं बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि प्रैक्टिकली अगर सिम्टम प्रोमिनेंसी रहा कि नाग्स भूमिका के, जैसे कोई एक पेशेंट आया आर्सेनिक का, उस आर्सेनिक को मैंने दिया, पेशेंट का बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, तुरंत बाद उसका नाग्स भूमिका का फीचर्स पेशेंट दिखा रहा है, डिमांड कर रहा है नाग्स भूमिका के, सिम्टम है, पेशेंट को नाग्स भूमिका दो, तो मैं नाग्स भूमिका दूंगा और नाग्स भूमिका भी काम करेगा। आर्सेनिक का जो काम हो चुका है, पेशेंट का जो इंप्रूवमेंट हो चुका है, वो हो ही रहता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं करता है। यहां पे मैंने इसीलिए प्रैक्टिकली मैं एंटीडोट्स को उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। कॉम्पेटेबल
एंड इनकॉम्पिटेबल, ये दो टर्म आपको अक्सर बुक्स में मिलेगा। इनमें बहुत सारे डॉक्टर्स जूझे रहते हैं, भूले रहते हैं कि प्रैक्टिस में इसी पॉइंट्स के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं निकलता है अच्छा मेडिसिन का। इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। कॉम्पिटेबल मतलब रिमेडीज दैट फॉलोएड वेल, उसी का मीनिंग है कॉम्पिटेबल। एंड इनकॉम्पिटेबल का मतलब है इनिमिकल, ये समझ के चलिए। और ये जो पॉइंट्स है रिमेडीज दैट फॉलोएड वेल, इनिमिकल, इनकॉम्पिटेबल, कॉम्पिटेबल, एंटीडोट, एंटीडोटेड बाई, ये सब अगर मिल जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है फिर भी अगर पेशेंट सिम होम्योपैथी मीन कैरेक्टरिस्टिक, हैनीमैन खुद ऑर्गानन में बार बार बोल चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिम्टम, मैं भी बोलता हूं बार बार, मेरे जितने भी वीडियोस है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिम्टम्स व्हिच सिग्निफाइज द पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक, पिकुलियर, अनकॉमन, रेयर एंड सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स है वो अगर आप मिला सकते हैं खास करके एक्यूट केस में एंड क्रॉनिक केस में, यही सिम्टम्स क्रॉनिक केस टेकिंग के मेरे वीडियोस है गोल्डन रूल्स पर, क्रॉनिक केस टेकिंग गोल्डन रूल्स पर, एक्यूट केस टेकिंग देखिए जाके कैसे केस टेकिंग किया जाता है, केस टेकिंग के ऊपर और भी वीडियो है। केस टेकिंग करके अगर इस सिम्टम्स को कैरेक्टरिस्टिक को आप उनके पूरे शरीर के जो फिजिकल जनरल है मेंटल जनरल में डायथेसिस में टेम्परमेंट में अगर आप पकड़ सकते हैं तो आपका वही रिमेडी उस टाइम इंडिकेट होगा। इंडिकेटेड रिमेडी अक्सर चेंज हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मीन्स नॉट ओनली एक पेशेंट फर्स्ट टाइम लाइकोबोडियम सिलेक्ट हुआ तो उसी में उसका सब बीमारी ठीक हो जाएगा, आज लाइकोबोडियम तो कल थुजा तो परसों सल्फर, फिर सिपिलाइनम, फिर ट्यूबरकुलिनम हो गए, लास्ट में लाइकोबोडियम या सल्फर देके पेशेंट को ठीक कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का डिमांड क्या है, कौन से सिम्टम्स को, उसका डायथेसिस को, टेम्परमेंट को, उसको फिजिकल मेकअप को, फिजिकल जनरल को, मेंटल जनरल को, किस चीज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसका हैबिट करना चाहिए आपको। केस टेकिंग मेरे वीडियोस से जरूर सीखिए, और कैसा मैं टेस्टिंग करके कैसे मेडिसिन तक पहुंचता हूं इसके लिए भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो दे रखा है। मेरे क्योट क्लिनिकल केसेस के जो सीरीज है उसमें लगभग 13-14 वीडियो है मेरा, और भी डालता रहूंगा, उसमें आप देखिएगा डिटेल्स। केस टेकिंग मेरे इस साइड में शो होता रहता है मोबाइल का, और मैंने उसका आपको क्लिनिकली एक्सप्लेन भी किया है कौन सा सिम्टम कैसे लिया गया, कौन सा सिम्टम को कितना गुरुत्व दिया जाता है और प्रेस्क्रिप्शन में क्या आता है। तो इसी तरह से सोचने से ही क्लासिकल एंटी मायाजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप निकाल सकते हैं, वरना आप मिसगाइडेड हो जाएंगे। इनकॉम्पिटेबल क्लिनिका सॉरी कॉम्पिटेबल इनिमिकल एंटीडोट्स एंटीडोटेड बाय रिमेडीज दैट फॉलोड वेल, ये सब में आ जाएंगे। देखिए जरूर देखिए, लेकिन नहीं हो फिर भी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप प्रेस्क्रिप्शन कीजिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं, ऑल कॉन्स्ट्रक्टिव एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन माय चैनल। एंड अगर आप नए हैं तो जरूर ये वीडियो को आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने होम्योपैथ जो स्टूडेंट्स हैं, अपने होम्योपैथ जो लाभार्थ हैं, अपने होम्योपैथ जो फ्रेटर्निटी है उसमें पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बनाना चाहता हूं क्लासिकल होम्योपैथी प्योर होम्योपैथी का अपग्रेडेशन के लिए। कोई भी होम्योपैथी प्रेस्क्राइबर चाहे डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, प्रैक्टिशनर हो, कोई भी हो, कोई भी फैलासी में ना रहे, सबका मेडिसिन काम करे और होम्योपैथी को हम लोग एक ऊंचा जगह पे ले जाने का प्रयास करे, ले जा सके। तो इसी के लिए वीडियो का शेयरिंग अपने होम्योपैथी फ्रेटर्निटी फ्रेंड सर्कल में बहुत जरूरी है दोस्तों। नमस्कार।